तो इसे क्वेश्चन नंबर वन मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स, ठीक, और प्लस बी टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स। अब यहाँ पे आपका चेन रूल लगेगा, पहले ए डिफ्रेंशिएट होगा, देन आपका क्या डिफ्रेंशिएट होगा, एम एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब सॉरी पहले ई डिफ्रेंशिएट होगा, ई डिफ्रेंशिएट होने का मतलब क्या, ई का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर का डिफ्रेंशिएशन वही आ जाता है, ठीक है, और फिर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स, ठीक है, प्लस आपका बी और ये क्या हो जाएगा ई की पावर एन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स। तो ये हम स्टेप अवॉइड कर सकते थे, एक स्टेप में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने दो स्टेप लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर क्या हो गया आपका एन एक्स हो गया, एन बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, से दैट इज इक्वेशन नंबर टू हो गया। तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रूफ है उसमें डी टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टू, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, है ना, और इसी को आप क्या लिखते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एम डी बाई डी एक्स ऑफ आपका हो जाएगा e की पावर एम एक्स प्लस बी एन डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही e की पावर डिफ्रेंशिएशन वही आ जाएगा एम एक्स, और एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक बार m आएगा, और यहाँ से एम ए पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी एन और e की पावर एन एक्स का e की पावर एन एक्स और इंटू एन आ गया, ठीक है। तो ये आप मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लिख लेंगे, एम इंटू एम एम स्क्वायर हो गया, तो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी और ई की पावर क्या आ गया आपका एन एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर से थ्री हो गया ये, ठीक है। तो ये आपने क्या, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से y है, सेकेंड इक्वेशन से y1 या dy by dx है, और थर्ड इक्वेशन से आपके पास dy2 by dx स्क्वायर है। अब रिक्वायर्ड क्या प्रूफ था उसको लिख लीजिए, उसका LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो रिक्वायर्ड था प्रूफ, तो LHS आपका क्या था उसका, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एम एन इंटू वाई, ठीक है, ये आपका इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। तो अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ से आप प्लेस कर दोगे, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, तो आपको बस इत्मीनान से रखना है एम स्क्वायर ए और ई की पावर आपका कितना हो गया, ई की पावर एम एक्स और प्लस एन स्क्वायर बी कितना हो गया आपका ई की पावर एन एक्स एन एक्स, तो ये हम ब्रैकेट में रख दे रहे हैं माइनस एम प्लस एन टाइम्स डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स देखिए यहाँ से आएगा आपका, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू से ये हो जाएगा ए एम और ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स और प्लस वाई, ये कंटिन्यू है ना, सॉरी एम एन टाइम्स वाई
एम एन टाइम्स वाई, वाई आपका ऊपर से क्या हो गया ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो ये लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है लेकिन ये उतनी खोखली है ना, आप सॉल्व करोगे बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि e की पावर mx का कौन सा टर्म होगा या इसका कोफिशियंट क्या आएगा और साथ में e की पावर nx का कोफिशियंट क्या आएगा। ठीक है, आप ये कोफिशियंट कलेक्शन का काम कर लीजिए। तो देखिए e की पावर mx का कोफिशियंट यहाँ से क्या है, एम स्क्वायर ए है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एम स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से e की पावर mx है, ठीक है, लेकिन e की पावर mx तो है और यहाँ m प्लस n टाइम्स am है और वो भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का आएगा, तो माइनस am स्क्वायर, तो माइनस am स्क्वायर। ठीक है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का am n, तो माइनस का am और n हो गया। अच्छा और भी आएगा कहीं से, बिल्कुल आएगा, यहाँ से आएगा देखिए, है ना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो क्या होने वाला है, प्लस का एम एन ए, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का ए एम एन। ठीक, तो ये e की पावर एम एक्स का कोफिशियंट हो गया। अब साफ साफ देखिए ये वाला इससे कट गया, पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और यहाँ निगेटिव है और ये क्या है आपका पॉजिटिव, कट गया तो कोफिशियंट क्या आ गया जीरो, तो जीरो इंटू e की पावर एम एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसका आप देखोगे ना, इसका देख लीजिए e की पावर एन एक्स का कोफिशियंट, तो e की पावर एन एक्स का कोफिशियंट एन स्क्वायर बी हो गया, एन स्क्वायर बी हो गया। अच्छा यहाँ से देख लीजिए एन एक्स ये पड़ा हुआ है आपका, तो बी एन मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, ठीक है, तो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो बी एन एक बार m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका बी एम एन, और भी माइनस का, तो माइनस का बी एम और n। अब जब ये वाला इस वाले n से मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा आपका बी एन स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो माइनस का बी एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी आएगा आपका ये एम एन और b, तो प्लस का आ गया आपका एम एन b, तो ये टोटल कोफिशियंट्स हो गए। अब देखिए एन स्क्वायर b प्लस का और एन स्क्वायर b माइनस का कैंसिल हो गया, इसी तरह से ये वाला, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इस वाले से, या निगेटिव था या पॉजिटिव था, फिर इसका कोफिशियंट जीरो आ गया, तो क्या हो गया आपका ये दैट इज इक्वल टू जीरो विच इज़ आर एच एस, यही आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था।